शी जिनपिंग ने दुनिया को सबसे बड़ा धोखा दिया। बाइडेन से बात की तो शांति और सुरक्षा का राग अलापा, लेकिन ये जिनपिंग का भ्रमजाल था जिसमें उन्होंने दुनिया को फंसाने की कोशिश की। बाली में दुनिया के 20 ताकतवर देशों का शिखर सम्मेलन जैसे ही खत्म हुआ, चीन ने अपना ताइवान प्लान एक्टिवेट कर दिया, जिनपिंग की ओर इशारा किया। जी हाँ, जिनपिंग की लाल सेना और अपने सुल्तान का इशारा पाते ही ताइवान फतेह के लिए वॉर एक्सरसाइज करने लगी और इसी के साथ शुरू हो गया महायुद्ध का काउंटडाउन। G20 शिखर सम्मेलन खत्म, दो महाशक्तियों की महामुलाकात खत्म, बाइडेन और जिनपिंग में बात खत्म और इसी के साथ जिनपिंग का ऑपरेशन ताइवान शुरू। G20 में जिनपिंग ने ताइवान को रेड लाइन बताया, ऐलान किया कि अगर ये लाल सीमा लांघी गई तो चीन चुप नहीं बैठेगा। जिस वक्त जिनपिंग बाली में ये बयान दे रहे थे, उसी वक्त उनकी रेड आर्मी ताइवान पर हमले की वॉर प्रैक्टिस कर रही है। चीन का ताइवान प्लान 100% एक्टिवेटेड है। लाल सेना का ये युद्ध अभ्यास इसी का सबसे नया और ताजा सबूत है। हाल ही में चीन की सेना PLA ने गैर सैन्य जहाजों पर मिलिट्री व्हीकल लोड करने और उतारने की प्रैक्टिस की। चीन मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए सिविलियन शिप का इस्तेमाल कर रहा है ताकि अमेरिका को उसकी चालबाजी का पता नहीं चले। चीन सिविलियन शिप से न सिर्फ अपने सैनिकों को हमले के लिए भेज सकता है, बल्कि हैवी मिलिट्री व्हीकल और हथियारों को भी युद्ध के मैदान में उतार सकता है। चीन ने सैन्य अभ्यास के लिए पहली बार सिविलियन शिप का इस्तेमाल नहीं किया है। ड्रैगन की ये टेंडेंसी पिछले 2 महीने से दिख रही है। टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कदम ताइवान पर चीनी आक्रमण की व्यापक तैयारी है। चीन सिर्फ ताइवान पर कब्जे की तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी सेना उकसावे की कार्रवाई भी कर रही है। चीन के 16 फाइटर जेट और 3 युद्धपोतों ने फिर से ताइवान स्ट्रेट में घुसपैठ की। इसके पहले 13 नवंबर को चीन के 36 फाइटर जेट ताइवान की सीमा पर पहुंच गए थे। G20 में जिनपिंग ने अमेरिका को सीधे चेतावनी दी थी कि ताइवान का मसला रेड लाइन है, इसे अमेरिका किसी भी कीमत पर क्रॉस ना करे वरना महायुद्ध छिड़ने में देर नहीं लगेगी। जिनपिंग ने बाइडेन से ये बात यूं ही नहीं कही थी। असल में चीन ताइवान पर प्रहार की तैयारी बहुत पहले से कर रहा है। माना जा रहा है कि ड्रैगन की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। अब चीन की लाल सेना किसी भी वक्त मिशन ताइवान को अंजाम दे सकती है। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि चीन 2025 से 2027 के बीच ताइवान पर ना सिर्फ हमला करेगा बल्कि उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। लेकिन चीन जिस तरह की सैन्य तैयारी कर रहा है, जिस तरह उसकी सेना वॉर रेडी है, उससे ये संकेत मिलने लगे हैं कि जिनपिंग अपने ऑपरेशन ताइवान को बहुत ही जल्द हकीकत में बदलने वाले हैं। G20 हो या बीजिंग में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस, जिनपिंग के तेवर ऐलान कर रहे हैं कि उन्हें चैन और सुकून तभी मिलेगा जब वो आक्रमण कर ताइवान पर कब्जा कायम कर लेंगे। इससे कम में चीन मानने वाला नहीं, चाहे उसे अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों से एक साथ टकराना ही क्यों ना पड़े। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर बाइडेन जिनपिंग को कैसे रोकेंगे, उनके ऑपरेशन ताइवान को कैसे विफल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।